सबका मेरे चैनल टेक बाई स्टूडेंट स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और नए वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो आज का हमारा टॉपिक है बेसिकली कैलकुलेटर इंटरनली कैसे काम करता है। तो देर ना करते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, कैलकुलेटर एक इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है। अगर आप एक सिंपल से कैलकुलेटर को ओपन करेंगे तो आपको कुछ इस तरह के कंपोनेंट्स मिलेंगे। उसमें एक सर्किट बोर्ड होगा, एक डिस्प्ले होगी, एक सोलर पैनल अगर सोलर पावर पे चलता होगा तो, वरना एक सिंपल सी बैटरी, एक कीपैड जिस पर बहुत सारी कीज होगी और एक प्रोसेसर चिप होगी। जब आप कैलकुलेटर कीपैड पे कोई भी नंबर दबाएंगे जैसे कि 1 2 3, तो उस स्विच का कॉन्टैक्ट उसके नीचे लगे सर्किट से होता है, जिससे होता यह है कि प्रोसेसर को पता चलता है कि यूज़र ने ये स्विच दबाई है। अब जब आप कोई मैथमेटिकल ऑपरेशंस जैसे कि मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, एडिशन, सब्ट्रैक्शन दबाएंगे तो जो आपने पहले नंबर दबाए थे वो एक मेमोरी में स्टोर हो जाए। अब आपको इसके बाद दूसरी डिजिट्स डालनी है और इक्वल्स टू साइन पर दबाना है और कुछ ही मिली सेकेंड्स में आपको इसका जवाब मिल जाएगा। बट ये इतना फास्ट होता कैसे है? हम तो 1 2 3 ऐसी गिनतियाँ समझते हैं, पर कैलकुलेटर ऐसी गिनती नहीं समझ पाता। वो तो सिर्फ दो स्टेट्स जानता है, या तो ऑन या तो ऑफ। जब हमने कोई की प्रेस की तो उसको कैलकुलेटर बाइनरी नंबर्स में बदल देता है, यानी कि 0 या 1 में बदल देता है। और हाँ दोस्तों, एक और बात मैं आपको बता दूँ कि दुनिया का कोई भी कैलकुलेटर हो वो सिर्फ एडिशन करना ही जानता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि कैलकुलेटर सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड कैसे करता होगा। तो ऐसे में अगर आपने कोई की दबाया, फॉर एग्जांपल 5 दबाया, फिर मल्टीप्लाई की साइन और फिर से 5 दबाया, तो ऐसे में कैलकुलेटर 5 को 5 बार ऐड कर देगा और आपको तुरंत जवाब दे देगा 25। ऐसे सब्ट्रैक्शन और डिवाइड में होता है। ये सब काम कैलकुलेटर के अंदर लगे लॉजिक गेट्स का काम है। कैलकुलेटर के अंदर जो सर्किट होती है उसमें ये लॉजिक गेट्स आते हैं, उनमें ये छोटे छोटे ट्रांजिस्टर्स होते हैं। ट्रांजिस्टर्स में छोटे छोटे स्विच आते हैं जो ऑन या ऑफ होते हैं, और वो डिपेंड करता है कि कैलकुलेटर को क्या भेजा जा रहा है यूज़र्स की ओर से, 0 या 1, और ऐसे हमें अपना रिजल्ट मिल जाता है। अब सवाल ये होता है कि कैलकुलेटर तो ये सब बाइनरी सिस्टम में करता है, तो हमें डिस्प्ले पर आंसर डेसिमल सिस्टम में कैसे मिलता है? तो यहाँ पे हम एक 7 सेगमेंट एलसीडी डिस्प्ले को यूज़ में लेते हैं, जिसमें हम एक सेगमेंट में जो चाहे वो नंबर या जो चाहे वो अल्फ़ाबेट दिखा सकते हैं। अब कैलकुलेटर किसी को ऑफ़ और किसी को ऑन करता है और ऐसे हमारी पूरी गिनती को डिस्प्ले करता है।